झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन बेड और कैंसर विंग में 73 बेड का ऑक्सीजन बेड तैयार हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने रिम्स जाकर खुद निरीक्षण किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे, तो वहीं कल भी सीएम सोरेन ने कोडरमा में 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया। तो बता दें कि झारखंड में अब संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। आज सीएम हेमंत सोरेन 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान जिस तरीके से संसाधनों में बढ़ोतरी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियां होती थी आगे अब वो देखने को नहीं मिलेंगी। रिम्स में 403 बेड का शुभारंभ सीएम आज करने वाले हैं। कल भी सीएम ने 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। तो आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिस तरीके से मरीजों की संख्या सामने आ रही थी, संसाधनों में स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी देखने को जिस तरीके से मिल रही थी, तो अब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कमियां देखने को ना मिले और तमाम सुविधाएँ मरीजों को मिल सके। इसी के चलते 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारम्भ सीएम आज रिम्स में करने वाले हैं। बता दें कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन बेड और कैंसर विंग में 73 बेड का ऑक्सीजन बेड तैयार हुआ है। पिछले दिनों सीएम ने रिम्स आकर खुद निरीक्षण भी किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। लगातार सरकार की तरफ से पहल की जा रही है संसाधनों को बढ़ाने की, बेड को बढ़ाने की, तमाम सुविधाएँ देने की, तो कहीं ना कहीं सरकार अब सफल होती हुई नज़र आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री आज रिम्स में पहुंचेंगे और 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री रिम्स पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। और आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने कोरोना में 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया है। तो जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है बेड को बढ़ाने की, ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार सफल भी हो रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते रिम्स में भी 403 बेड का शुभारंभ आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इसके पहले भी सोरेन ने कोडरमा में 250 ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। लगातार संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन से संबंधित, बेड से संबंधित, दवाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमियां देखने को ना मिले, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। इसके चलते रिम्स में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे और निरीक्षण किया था। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो संसाधन है उनमें बढ़ोतरी हो, इसी के चलते आज भी सीएम हेमंत सोरेन रांची में बेड का जो निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण किया गया था और आज जो शिलान्यास करने वाले हैं 403 बेड का। झारखंड में जितने भी स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधन है, उन संसाधनों को अब धीरे धीरे कोविड 19 अस्पतालों के तौर पर और कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए उस तौर पर डेवलप किया जा रहा है। कल ही कोडरमा में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के में उसे कोविड 19 अस्पताल की
जी तमाम तरह के इंतजाम किए गए जी और उसे COVID-19 डेडिकेटेड अस्पताल के तौर पर वहाँ की जनता को समर्पित किया गया, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन सीएम सोरेन ने किया जी। आज 403 बेडों का ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन होगा, उसे भी जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसमें 330 बेड रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट में बनाए गए हैं। 330 जिस पे काफी लंबे समय से काम चल रहा था, लगभग 15 दिनों से काम उस पर जारी था और इसे कुछ अर्से पहले ही सुपुर्द करना था राज्य की जनता के लिए, लेकिन आज 330 बेड मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट में बिल्डिंग में इसका शिलान्यास होगा और 73 बेड जो रिम्स का कैंसर विंग है वहां पर कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उसे जनता को समर्पित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन 400 के आने के बाद राजधानी रांची में जो मरीजों की जरूरतें हैं वो जरूरत थोड़ी सी पूरी होती दिख रही थी। अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले की बात करें तो कल थोड़े से आंकड़ों में कमी पाई गई, वहां पर 403 बेड की सुविधा अगर बढ़ जाती है तो आप यकीन मानिए यहां के मरीजों के लिए बहुत राहत मिलेगी और खास करके जिस तरीके से कोविड सर्किट का निर्माण किया गया है तो आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी यह एक राहत भरी खबर हो सकती है। आस्था जी, बिल्कुल राहत भरी खबर तो ये लोगों के लिए होगी ही और सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कमियां अभी तक देखने को मिली है स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ से जो कमी देखने को मिली है, चाहे वो बेड को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, तमाम जो कमियां हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो वो कमियां दूर हो, सरकार की तरफ से लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखें यह अब स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि राज्य सरकार, न्यायपालिका और तमाम जो संस्थाएं हैं हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की, इन तमाम संस्थाओं के जरिए अब कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कल भी हाईकोर्ट ने कुछ कोरोना संक्रमण के मामलों पर सुनवाई करते हुए दो तीन अहम बातें रखी हैं। सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, अपर प्रधान सचिव को और बोकारो स्टील लिमिटेड के CMD को तलब किया है और उनसे यह जानकारी मांगी है कि रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक हम कैसे जल्दी स्थापित कर सकते हैं, अगर हमारे पास वह टैंक उपलब्ध नहीं है तो हम किस तरीके से किराए पर भी ऐसे टैंकों को उपलब्ध कराकर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ सदर अस्पताल की कमियों को लेकर सदर अस्पताल को जिस संवेदक ने सदर अस्पताल का निर्माण कराया था हाईकोर्ट ने उससे भी कुछ जवाब तलब किए हैं। तो आस्था स्थिति यह है कि राज्य सरकार, वो विधायिका की बात कर लें, कार्यपालिका की बात कर लें या न्यायपालिका की बात कर लें, अब लोकतंत्र के आधार स्तंभ के ये तीनों मुख्य स्तंभ जो है यह तीनों मिलकर कोरोना संक्रमण की इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जहां हाईकोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है, स्वतः संज्ञान ले रहा है कई मामलों में, तो मॉनिटरिंग कर रहा है कि कोरोना संक्रमण के हालात से राज्य सरकार क्या उचित तरीके से लड़ पा रही है नहीं। आप देखेंगे बिहार में अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं ना कहीं नीतीश के ऊपर पटना उच्च न्यायालय का भी एक बहुत बड़ा दबाव था, जिसने कुछ एडवर्स रिमार्क्स किए थे नीतीश सरकार को लेकर, और तब जाकर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार में लॉकडाउन की अनुशंसा की थी। तो कहा जा सकता है विधायिका हेमंत सोरेन और उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जाए, मरीजों को स्वास्थ्य संसाधनों के जरिए उनका बेहतर इलाज किया जा सके। अगर कार्यपालिका की बात कर लें तो कार्यपालिका भी इस क्षेत्र में जी जान से जुटी पड़ी है, तमाम अधिकारी जिलावार क्रम में या कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों तक अब अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है संक्रमण का ट्रैकिंग करने के लिए और उनके इलाज करने के लिए, और वही न्यायपालिका की बात मैंने आपको बताई। तो मिलाकर अब कह सकते हैं कि झारखंड में अब कहा यह जा सकता है कि लड़ाई बहुत तेजी से लड़ी जा रही है और
जीत या सफलता कह सकते हैं अब ज्यादा दूर नहीं है, जी बस महज चंद दिनों का फासला है। जी आसा। जी बिल्कुल, मजबूती से लड़ाई झारखंड में लड़ी जा रही है, सभी एक साथ होकर इस पर कार्य कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कोरोना को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसी तरीके से झारखंड में सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी मिलकर काम करते रहे तो जल्द ही झारखंड एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पर कोरोना के केसेस नाम मात्र के बचेंगे। बिल्कुल, देखिए झारखंड ने दूसरे राज्यों को बहुत सारी सौगातें दी हैं। हम ऑक्सीजन के निर्माण में आत्मनिर्भर हैं, ऑक्सीजन हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य संसाधनों के मामले में आप कहें तो हम बेहतर इंतजाम को पहले से करते आ रहे हैं। राज्य जब देश के बाकी दूसरे राज्यों ने लॉकडाउन के बारे में सोचना शुरू किया था तब से राज्य हमारा 22 अप्रैल से भी नहीं लॉकडाउन पे। हम लड़ाई को बहुत तेजी से और चारों तरफ से हम कोरोना वायरस और इसके संक्रमण पर हमला कर रहे हैं जी। और जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर स्थितियां सब कुछ जैसा कि योजना है, कार्य योजना जिस तरीके से बनाई जा रही है और जिस तरीके से इससे लड़ने के लिए हम अलग अलग संसाधनों का इंतजाम कर रहे हैं जी। तो माना यह जा सकता है कि यह जीत हमारे काफी पास है। और साथ ही आपको बता दें कि जो टीकाकरण की बात आ रही थी तो जो अंदेशा, जो राज्य सरकार लगातार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संपर्क में है और स्थितियां बन पड़ रही है कि टीका हो सकता है झारखंड को थोड़ा समय से पहले मिल जाए, जो हम स्थिति का आकलन कर रहे थे कि 15 मई के बाद ही झारखंड को टीका उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे कुछ सुधरती हुई दिख रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि 10 तारीख के आसपास झारखंड को दोनों संस्थाओं से, दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से टीका मुहैया करा दी जाएगी और झारखंड तीसरे चरण में टीकाकरण को लेकर बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच में आस्था एक बुरी खबर है, वो खबर भी आपसे आपके साथ चाहूंगा चर्चा करना। झारखंड में टीकाकरण अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। कल महज 8,163 लोगों ने वैक्सीन का पहला खुराक लिया और जहां लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा था 69,180 लोगों को टीके के पहले डोज के लिए, ये महज 12% बनता है। वहीं दूसरी तरफ टीके के दूसरे खुराक के लिए जहां राज्य सरकार ने 5,17,393 टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, वहीं महज 15,743 लोगों ने, जो कि 3% के आसपास के आंकड़े बनते हैं, उन्होंने दूसरे डोज का टीका लिया है। तो टीकाकरण की रफ्तार में झारखंड अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी नजर आ रही है। यह एक बुरी खबर है और जाहिर सी बात है तीनों संस्थाओं को, तीनों स्तंभों को, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की बात कर ले, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को बैठकर यह सोचना होगा कि टीकाकरण की इस रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। जी, जी बिल्कुल, सोच विचार करने की इस पर जरूरत है कि किस तरीके से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरीके से ये खबर टीकाकरण को लेकर सामने आई है कि जल्द से जल्द झारखंड को टीकाकरण के लिए टीके मिल जाएंगे और उतनी ही जल्दी तीसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी, ये बेहद अच्छी खबर झारखंड के लिए देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है, तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, संसाधनों को बढ़ा रही है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबरें ये झारखंड से सामने आ रही है। लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।